हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ टोमेटो केचप की रेसिपी, जो लुक वाइज एंड टेस्ट वाइज एग्जैक्टली मार्केट जैसी होगी। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश टमाटो, 2 kg लिया है मैंने यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। सो कुछ इस तरीके का इसके ऊपर का पार्ट कट कर लेना है, और इसे मतलब कुछ इस तरीके से बड़े टुकड़ों मैंने कट कर लिया है, बिकॉज हमें इसे बॉयल करना है। दैट्स वाई हम इसे अच्छे से मतलब थोड़ा सा कट लगा लेंगे, मतलब मीन्स कट कर लेंगे। सो मैंने इसे कुकर में बॉयल करने के लिए रख दिया, मीन्स 1-2 सीटी आने तक इसे चढ़ा देना है। यहाँ पे मैंने इसे कुकर में डाल दिया है। इसमें हमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, बिकॉज टोमेटो में ऑलरेडी पानी होता है। सो इसे 1-2 सीटी आने तक इसे पका लेना है। एंड देन उसके बाद आफ्टर 1-2 विसल आप देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से कुक हो चुका है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सो ये देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। अब इसे ठंडा होने के बाद इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है, कोई भी पानी हमने ऐड नहीं किया है, उसके बावजूद इतना सारा इसमें पानी ऑलरेडी है। इसका जो पानी है इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, इसके साथ ही हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। एंड अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा है तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। सो ये ठंडा हो चुका था, तो अब इसे कुछ इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है बारीक सा। सो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से सेम प्रोसेस में सारा जो हमारा टोमेटो था उसे हमने ग्राइंड कर लिया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे मतलब बड़ा सा कटोरा लिया हुआ है, उसके बाद मैंने रखा हुआ छन्नी। अब इसे अच्छे से मतलब छान लेना है थोड़ा थोड़ा सा करके। एंड इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज मतलब हमें थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से इसे मतलब छानना होता है स्पून की हेल्प से। कुछ इस तरीके से मैंने इसे छान लिया है ताकि जो टोमेटो का पल्प है वो प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं आप निकल सके। एंड एक्चुअली कैमरे की वजह से, लाइट की वजह से थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा डल लग रहा है, बट ये प्रॉपर मतलब रेड कलर में ही था। सो सेम प्रोसेस मैंने इसे अच्छे से छान लिया है, जो इसका पल्प था एंड टमाटो का जो वेस्ट पार्ट था वो भी प्रॉपर तरीके से अलग हो चुका है। सो ये आप देख सकते हैं। सो अब हम चलेंगे इसे पकाने की प्रोसेस में। एंड ये जो मतलब टमाटो का जब मैंने बनाया था, ये मतलब एग्जैक्टली मार्केट जैसा ही लग रहा था, बहुत ही अच्छा था टेस्ट में। एंड आप इसे फ्रिज में 20-30 डेज फ्रिज में आराम से आप इसे रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई। अब कढ़ाई में जो हमारा पल्प था उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड अभी इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है, एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, बिकॉज ये पकने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। एंड इसे आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया है शुगर। शुगर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। एंड मिक्स कर दिया। सो अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा विनेगर। एंड विनेगर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एंड अभी आप देखेंगे कि ये किस तरीके से मतलब पतला हो जाएगा जब आप इसे पकाते हैं, और इसे बहुत ज़्यादा पकाने की नीड होती है। यहाँ पर मैंने डाल दिया ज़रा सा फूड कलर, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए इसमें, ये ऑप्शनल है। एंड आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है, और इसे आपको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। फूड कलर इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कलर आपको मतलब डार्क चाहिए सो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा पकना स्टार्ट हो गया। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब इस थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप पका सकते हैं, अदरवाइज आप इसे जब मतलब ठंडा होगा ये अच्छे से सेट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया हुआ है। एंड ये हमारा मार्केट जैसा टोमेटो केचप एग्जैक्टली रेडी है। सो गाइज, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में बताइएगा कमेंट करके। एंड ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसा ही लग रहा है। एंड ये टेस्ट में भी एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा था, बिलीव मी गाइज, बहुत ही अच्छा बना था ये। एंड ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो चुका था। एंड देन उसके बाद मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी एक बॉटल में। सो मुझे मतलब उस टाइम पे कुछ मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल कट किया था, एंड उसके हेल्प से मैं इसे बॉटल में ट्रांसफ़र करूंगी। सो देसी जुगाड़ लगा के यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। थोड़ा सा मतलब गुनगुना टाइप का था, तो इसलिए थोड़ा सा आपको धुआं लग रहा था। एंड ये ऑलमोस्ट ये ठंडा हो चुका था। सो यहाँ पे हमारा मार्केट जैसा होममेड टोमेटो केचप रेडी है।
सो गाइस रेसिपी आपको कैसे लगे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आए मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर वीडियोस एंड रेसिपीज। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।